हम लोग पिछले क्लास में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार, तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो है कई प्रकार के होते हैं, उनमें हम एक एक करके सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो इसको समझने के लिए हमको ध्यान देना है, जैसे मानिए योग का मतलब क्या होता है। योगात्मक में जो है हमारा पहला अक्षर क्या है, योग। योग माने होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जब हम योग करते हैं किसी चीज का, तो जो हमारा आंसर आता है वो एक मात्र पद में आता है कि एक से ज्यादा पद में? एक मात्र पद में आता है, एक मात्र पद में आएगा। तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया में। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं C+O2, ये क्या हो जाएगा CO2। ये हमारा एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, और आंसर जो हमारा आया, जो हमारा आंसर आया वो कितने पदों में आया, तो एक पद में आया। तो योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और हमें एकमात्र उत्पाद देते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, कम से कम दो जरूर रहेगा, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एकमात्र उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। और मान लीजिए हम देखते हैं H2+O2, ये क्या हो जाएगा, H2O। ठीक। अब एक चीज ध्यान देना है हमको, इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग भी सीखना है कि हाइड्रोजन संख्या कितना बता रहा है, दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बता रहा है, दो। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक। अगर हम यहाँ दो से गुणा कर दें, दो का गुणा होगा तो इस पूरे में होगा, हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा, तो 2H2 हो गया और हमारा O2 हो गया। अगर हम यहाँ दो से और गुणा कर दें तो हमारा क्या जाएगा, 2H2 और O2। ठीक। तो 2H2 माने चार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आ गया, चार आ गया। ऑक्सीजन बराबर यहाँ पे कितना आ गया, दो आ गया। दो दुना चार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें कितना आ गया, चार। ऑक्सीजन कितना आ गया, दो। ये हो गया हमारा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक। योगात्मक के बाद जो है दूसरा आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन या अपघटन, तो वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक, किसी बाह्य कारक। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज है उसको गर्म कर दें, या फिर मान लीजिए उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, तब वो क्या हो जाएगा, उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा उस पर ना, तो वही हमारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो जब वो एक यौगिक कम से कम कितना पार्ट में टूटे, दो पार्ट में, कितने पार्ट में, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक बाह्य कारक, और बाह्य कारक में हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत कामा ऊष्मा या प्रकाश,
तीन बेसिक मान लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाह्य कारक जैसे विद्युत ऊष्मा या प्रकाश, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी बाह्य कारक के कारण यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विघटनकारी या अपघटनकारी अभिक्रिया, अपघटनकारी अभिक्रिया। अब इसमें जो है याद रखना है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी यौगिक लें और उस पर किसी भी बाह्य कारक का प्रभाव डालें तो वह यौगिक कम से कम दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, विघटनकारी या अपघटनकारी अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं अमोनिया NH3, ठीक। तो पहले हम विघटनकारी को समझते हैं, प्रभाव कारक के हिसाब से बात है। तो इस पे क्या होता है कि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये N2 और H2 में टूट जाता है, N2 और H2 में टूट जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो है N2 नाइट्रोजन तो है तो यहाँ दो से गुणा कर देते हैं, अब कितना हो गया, हाइड्रोजन 2, 3 या 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3H2। ये हो गया हमारा विघटनकारी अभिक्रिया, मतलब एक यौगिक यहाँ पे कितना है, एक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 1+1, कुल मिला के कितना पार्ट हुआ, दो भाग में टूटा है, कितने भाग में, दो भाग में, इसको हम क्या बोलेंगे, योगा ये विघटनकारी अभिक्रिया। अब विघटनकारी अभिक्रिया जो है तीन प्रकार का होता है, तो उसमें पहला हेडिंग हमारा बनेगा, हम डालते हैं उसमें प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई यौगिक है उसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, जब गर्म करेंगे तो मान लीजिए A+B में टूट जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रभाव के कारण यौगिक दो भागों में टूट गया, ऊष्मीय प्रभाव के कारण यौगिक दो भागों में टूट गया। तो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। इसको मान लीजिए हम गर्म करते हैं तो ये हो जाएगा CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और या इसको हम एक चीज और नाम से जानते हैं, बिना बुझा चूना, ठीक। ये हो गया हमारा ऊष्मीय प्रभाव। अगला हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रभाव, इसका मतलब होता है गर्म करना, इसका मतलब होता है गर्म करना, तो यहाँ पे भी गर्म किया गया है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। ये हो गया हमारा अगला हेडिंग, उस ये प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव। तो जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है उसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो वह कम से कम दो भागों में टूट जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको हम अगर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ध्यान देना है कि ये Ag और Cl2 में टूटेगा, मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस में,
यहाँ पे क्लोरीन कितना बता रहा है, दो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक, तो हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए दो से क्या कर देंगे, गुणा। अब ये क्या बता रहा है, Ag दो और Cl भी कितना, दो, तो यहाँ दो से गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा बैलेंस। तीसरा होता है हमारा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या विद्युत का प्रभाव, विद्युत अपघटन या विद्युत का प्रभाव। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई हम ऐसा यौगिक लेते हैं, यौगिक ऐसा होना चाहिए जो जल में विलेय हो, जल में क्या हो, विलेय हो। इसके बाद विलेय होने के बाद हम विलयन में, जो जल में विलेय हो, और फिर विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, किसका, विद्युत प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह। तो इसमें कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए हम एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम नमक डाल देते हैं, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो NaCl है, NaCl, तो Na प्लस आयन बना लेगा और Cl माइनस आयन, तो इसमें जो तार लगेगा हमारा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, एक तार हमारा माइनस होगा और दूसरा तार हमारा प्लस होगा, तो प्लस वाला और माइनस वाला, तो आकर्षण वाली बात अगर हम देखें तो समान प्रकार के आवेश, मतलब एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को लात मार के भगा देंगे और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, तो प्लस वाला जो है अपने प्लस को खींचेगा, माइनस को खींचेगा, तो प्लस वाला किसको बुलाएगा, Cl को बुलाएगा, और माइनस वाला किसको बुलाएगा, Na को बुलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई विलयन है नमक का और उसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, तो जो प्लस होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो हमारा माइनस होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनोड वाले पार्ट में जो है हमारा कौन आएगा, ऋण आवेशित, एनोड वाले पे कौन आएगा, ऋण आवेशित आएगा, ठीक है ना, और कैथोड वाले की तरफ धनावेशित। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा यौगिक जो कि जल में विलेय हो उसका घोल प्राप्त होने पर, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराने पर एनोड वाले तार की तरफ ऋणावेशित आयन, जबकि कैथोड वाले तार की तरफ धनावेशित आयन आकर्षित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत का प्रभाव या विद्युत अपघटन। अगला हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एकल विस्थापन और दूसरे को बोलते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। तो इसमें होता क्या है, एकल विस्थापन वाला क्या करेगा, इसमें दो पार्टी होता है, एक अधिक्रियाशील और जो दूसरा होता है वो कम क्रियाशील। और दोनों क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए गांव में
दो व्यक्ति हैं, एक जो है मोटा ताजा है और एक कमजोर है, तो मोटा ताजा वाला कमजोर वाले को उसके घर से जाकर फेंक देगा और खुद उसके घर में रहने लगेगा। तो मोटा ताजा व्यक्ति जो है कमजोर वाले को उसके घर से उठा के फेंक देता है और खुद जाके उसके घर में रहने लगता है, उसके जमीन पे कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह भी जो है ये अधिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, और यने मान लेते हैं कम क्रियाशील है, यने कम क्रियाशील है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो इनके बीच अब क्रिया हुई मान लीजिए, तो यह ई एक तक तो है और दूसरा जो है यने सीएल है, ठीक। तो अब ध्यान देना है, ये अधिक क्रियाशील है तो यने को मार के भगा देगा यहां से, यने को मार के भगा दिया, यने अलग हो गया, तब खुद जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा यफ ई सी एल, यफ ई सी एल प्लस यन ए। अब एक चीज ध्यान देना, यफ ई सी एल को हम कैसे बैलेंस करें, तो यहाँ पे फेरस और फेरिक दो क्वालिटी होती है, तो हम मान लेते हैं यफ ई तीन प्लस वाला है, क्या दो प्लस मान लेते हैं, तो यफ ई पे अगर मान लीजिए दो प्लस है और सी एल पे एक माइनस है, इसके नीचे लिखेंगे दो और इसके नीचे लिखेंगे एक, फिर हम तिरछा गुणा कर देते हैं, तो यफ ई का गुणा एक में होगा क्या हो जाएगा यफ ई, और सी एल का गुणा दो में हो जाएगा क्या हो जाएगा सी एल टू, ठीक, फेरस क्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आ गया कि मतलब इसमें अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है, ये क्या है, यौगिक है, NaCl एक यौगिक है और अधिक क्रियाशील तत्व आया, Na को मार के भगा दिया उसके घर से और बोला हम तुम्हारे घर में रहेंगे, तो या फिर जो Cl के साथ Cl के घर में रह रहा है ना, Cl के साथ रह रहा है, Na को भगा दिया, तो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से भगा दिया, यानी क्या है कम क्रियाशील है, यानी क्या है कम क्रियाशील है, ठीक। अगला आता है हमारा द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में क्या होगा कि दो यौगिक होंगे, दो यौगिक होंगे और इनके बीच क्या होता है आपस में विनिमय होता है, विनिमय माने लेन देन, लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि MgCl2 प्लस Na टू SO4, ध्यान देना है Mg चला जाएगा SO4 के साथ और Na चला जाएगा Cl के साथ, ये हो जाएगा हमारा क्या MgSO4, MgSO4 और Na और Cl मिलके क्या हो जाएगा NaCl। अब ध्यान देना इसको बैलेंस भी करना, अभी बैलेंस करते समय एक चीज हमको ध्यान देना है कि Mg के ऊपर पाया जाता है दो प्लस और SO4 के ऊपर पाया जाता है दो माइनस, तो दो प्लस दो माइनस मिलके क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या MgSO4, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg के ऊपर दो प्लस और SO4 के ऊपर दो माइनस, इसके नीचे लिखेंगे दो और इसके नीचे भी लिखेंगे दो, तिरछा गुणा कर देते हैं, Mg का गुणा दो से हो गया क्या हो जाएगा Mg टू और SO4 का जो हो जाएगा होल ट्वाइस, क्योंकि इसके पहले इसके नीचे जो पहले से चार लिखा हुआ था MgSO4, दो से दो कट गया क्या बचा MgSO4, ठीक। तो ये हो गया हमारा MgSO4 का, और NaCl की बात करें अगर इसको मिटा दें तो Na और Cl कैसे बना, तो ये हो जाएगा Na
एक प्लस सीएल पे एक माइनस, इसके नीचे एक, इसके नीचे भी एक, तिरछा गुणा डीएनए का क्या हो जाएगा, एनए वन सीएल वन, कोई अंतर आया नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं एनए सीएल। ठीक, तो हमारा जो है ये कुछ अभिक्रिया था पूरा हो गया। अब अभी हमारा जो है लगभग ये ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक अपचायक कुछ बचे हुए हैं, उसको अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।